भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर सबौर भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739557459। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से 26 मार्च 2019 दिन मंगलवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए करें खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। भागलपुर विश्वविद्यालय इलाके में गैस एजेंसी के मैनेजर से दिनदहाड़े 14,29,000 की लूट। भागलपुर विश्वविद्यालय इलाके के केवी लाल रोड नाथनगर स्थित संस्कृत कॉलेज के पास साईं बाबा गैस एजेंसी के मैनेजर संजय कुमार लाल उर्फ बंटू से अपराधियों ने 14,29,000 रुपए सोमवार को दिनदहाड़े लूट लिए। संजय बाइक पर प्रकाश सिन्हा के साथ जा रहे थे। गैस एजेंसी से संजय रुपया लेकर माड़वाड़ी पाठशाला के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा जमा करने जा रहे थे। इसी क्रम में दो बाइक पर सवार होकर 4 अपराधियों ने उन्हें रोका, लेकिन संजय और नहीं रुके। इसके बाद अपराधियों ने अपनी बाइक से मैनेजर की बाइक को धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे दोनों वहां गिर गए। सभी अपराधी हथियार से लैस थे। सारे अपराधी अपनी बाइक से उतरकर संजय से बैग छीनने लगे। बैग छीनने के क्रम में संजय और प्रकाश सिन्हा ने काफी विरोध किया। इस बीच अपराधियों ने दोनों की पिटाई कर दी। अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर और गोली मारने की धमकी दी। छीना झपटी के बाद अपराधी बैग लेने में सफल हो गए। 14,29,000 रुपए से भरा बैग छीनकर सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। घटना अंजाम दिया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसे बरामद करें। और ये जो गैस एजेंसी, इनको चाहिए था कि थाने को खबर करता, लोकल थाने को खबर करनी चाहिए थी, ताकि अपना हम फोर्स देते, हम मोबाइल फोर्स भेजते, घटना न घटती। इतना हैवी अमाउंट ले जाया जा रहा था, बोलना चाहिए था, जानकारी देनी चाहिए थी। भागलपुर लोकसभा चुनाव राजद के ओर से सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने की नामांकन। साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ किया सैंडिस कंपाउंड में जनसभा संबोधित। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा राजद की ओर से नामांकन सोमवार को किया गया। नामांकन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आम सभा को संबोधित किया। आम सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और सुशील मोदी जमकर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने इन तीनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौकीदार कैसी चौकीदारी कर रहे हैं कि सभी मोदी के भक्त बैंक खाली कर फरार हो रहे हैं। इन्होंने अपने जात वालों को भगाया है। एक है सुशील मोदी, जिस पर सृजन घोटाला है। रेखा मोदी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। मौके पर भागलपुर के सांसद शैलेश कुमार उबुलो मंडल, साथ ही राजद के विभिन्न नेता उपस्थित थे। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान माँ अम्बे इंटरप्राइजेज, तेतरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज दीवान, टेबल कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 9801150179। नवगछिया, रविवार की संध्या मांग रहा था रंगदारी, कुख्यात सोनिया राजपाल को भीड़ ने कूच कर मार डाला। सोमवार को दिन भर चलता रहा चर्चा का बाजार। गोटखरीक में शुरू हुए रामकथा यज्ञ के परिसर में लगी दुकानों के संचालकों से हथियार के बल पर रंगदारी मांग रहे इलाके का कुख्यात अपराधी सोनिया राजपाल को रविवार देर शाम करीब 7:30 बजे भीड़ ने ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला। इस दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की थी, इससे भीड़ आक्रोशित हो गई। सोनिया को लाठी डंडे से पीटने लगे। सोनिया भागकर घर आ गया, लेकिन भीड़ उसे घर से खींचकर दोबारा पीटने लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पंचायत भवन के अंदर सबको फेंक दिया। वहीं घटना की सूचना पर बिहपुर सर्किल इंस्पेक्टर NS चौहान खरीक थाने
तहसीलदार राजेश कुमार पंचायत भवन पहुंचे और सबको कब्जे में ले लिया। इधर मृतक की मां नर्मदा देवी व उनकी गर्भवती पत्नी सोनी देवी ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर सोनिया को पीटा। बताया जा रहा है कि रविवार को ऐसी घटना पुलिस जिले में पहली बार हुई है। इससे पूर्व मृतक कुख्यात के विरोध में कोई मुंह तक नहीं खोलना मुनासिब नहीं समझते थे। लोगों की भीड़ ने पूरी तैयारी व भयमुक्त होकर इस घटना को अंजाम दिया। शायद यही वजह रही होगी कि घटना के दौरान पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जबकि जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ साबित होता है कि घटना को अंजाम देने में कम से कम 2-2.5 घंटे का समय लगा होगा। हालांकि घटना के बारे में कोई कुछ खुलकर नहीं बता रहे। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और मृतक सोनिया राजपाल के परिजनों द्वारा आवेदन का भी इंतजार कर रही है। जबकि सोमवार को दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आसपास के लोग ने बताया कि खेलने के उम्र से ही उसने अपराध जगत में अपना कदम रख दिया था। पिछले 10 वर्षों से इसका आतंक सर चढ़कर बोल रहा था, जिससे इलाके के लोग काफ़ी परेशान थे। भागलपुर लोकसभा चुनाव। बुलो, जयप्रकाश, पुतुल, गिरधारी समेत एक दर्जन प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में नामांकन के लिए मंगलवार तक का ही समय है, इसलिए दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को काफ़ी संख्या में प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने पुनः राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इनके अलावा बसपा से डॉक्टर एम ए इब्राहिमी, एसयूआई से दीपक कुमार और निर्दलीय नूर उल्लाह ने भागलपुर लोकसभा सीट के लिए पर्चे भरे। डॉक्टर एम ए इब्राहिमी भागलपुर के पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त सह कुलपति रह चुके हैं। वहीं बांका लोकसभा से सांसद जयप्रकाश यादव ने राजद उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इनके अलावा जदयू प्रत्याशी गिरिधारी यादव, निर्दलीय पुतुल कुमारी, पवन ठाकुर और प्रवीण झा ने भी पर्चे भरे। वहीं बांका लोकसभा से फैसल अंसारी, भारतीय मोमिन फंट ने भी नामांकन किया। इसके अलावा भी कई अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन करने की सूचना है। भागलपुर रेलवे स्टेशन। दिल्ली मुंबई की गाड़ियां फुल, लोकल भी ठसाठस। जैसे तैसे यात्रियों ने कोच में किया प्रवेश। होली बाद से लगातार दिल्ली मुंबई हावड़ा जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह फुल होकर रवाना हो रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, ब्रह्मपुत्र मेल यात्रियों से पटा रहा। जनरल कोच की बात तो दूर, स्लीपर कोच में बर्थ से ज़्यादा यात्री सवार दिखे। जनरल कोच में क्षमता से दुगुने से भी ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया। कोच के गलियारे से लेकर शौचालय के पास भी यात्री खड़े रहे। इधर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवान प्लेटफॉर्म पर सतर्क दिखे। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से इंतजाम किया गया था। विक्रमशिला एक्सप्रेस और एलटीटी एक्सप्रेस में आरपीएफ ने यात्रियों को लाइन लगवाकर ट्रेन के कोच में प्रवेश कराया। इस कारण सीट के लिए मारामारी नहीं हुई। भागलपुर लोकसभा सीट। हेलीकॉप्टर से लेकर केक तक, आइए जाने क्या क्या है चुनाव चिन्ह। भागलपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान सीसीटीवी कैमरा दिखाकर या गुब्बारा उड़ाकर वोटरों से मतदान करने की अपील कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने 199 चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिया है। भागलपुर लोकसभा सीट के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 मार्च है। नाम वापसी के दिन स्वतंत्र प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित किया जाएगा। नामांकन के समय स्वतंत्र प्रत्याशियों द्वारा 3 चुनाव चिन्ह का प्रस्ताव देने का प्रावधान है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजस्तरीय राजनीतिक दलों के अलावा पंजीकृत दलों को पूर्व से चुनाव चिन्ह आवंटित है। सिर्फ स्वतंत्र प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह जारी किया गया है, जिनमें जीव जंतुओं को शामिल नहीं किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सखी मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सखी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 4 और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में एक सखी मतदान केंद्र का चयन कर प्रस्ताव भेजा गया है। सखी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी, सभी कर्मी पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही होंगी।
जारी किए गए महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए चुनाव चिन्ह में सीसीटीवी कैमरा, गुब्बारा, एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब, ऑटो रिक्शा, चूड़ियाँ, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतियों की हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्किट, ब्लैकबोर्ड, आदमी, पालयुक्त चौका, बोतल, बक्सा, डबल रोटी, ब्रेड, टॉर्चर, ईट, ब्रीफकेस, ब्रश, बाल्टी के, कैलकुलेटर, कैमरा, कैंची, कैरमबोर्ड, चैन, चक्की, चप्पल, चेस बोर्ड, कोट, कंप्यूटर, कंप्यूटर माउस, डीजल पंप, इलेक्ट्रिक पोल, फुटबॉल, गन्ना, किसान, हेडफोन, हेलीकॉप्टर, आयरन, लेटर बॉक्स इत्यादि हैं।